स्टार्ट कर दें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शो में, इतनी ठंडी जिंदगी झंड में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मुटुक, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्त कैमरामैन ठुइया के साथ इस घर में, जहाँ पे हम लोगों से पूछने वाले हैं कि उनकी सर्दी के बारे में क्या विचार हैं। तो आइए पूछते हैं। हाँ तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? भूपेश। तो भूपेश जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि इस सर्दी के बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, तुझे कहाँ बताएं, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, यहाँ जैकेटों के ऊपर जैकेटें डाली जा रही है, टोपियों के ऊपर टोपियां डाली जा रही है, फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं से ठंड घुस जा रही है। एक तो पहले तुम्हारी वो सर्दी कम थी, तो पहले बल्ले बल्ले लेके लौंडे मारने जाते थे, वो सारा का काम रुक चुका है। क्यों भाई साहब, क्यों? ठंड लगती है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लौंडे क्यों मारने जाते थे आप? अः बस हो गया चीज का, मुझे बदमाश बनना है मुझे। लेकिन भाई साहब ये तो गलत है ना। अब तू सिखाएगा मुझे क्या सी है क्या गलत है? अरे नहीं भाई साहब, ठीक है ठीक, चलते चलते, चलो चलो चलो। अब हम इनके दूसरे सदस्य से बात करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? समीर। तो समीर जी, आप ये बताइए कि इन सर्दियों के बारे में क्या विचार है आपका? अरे भाई साहब, आपको क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, यहाँ पे अपने पिछवाड़ों के नीचे हाथ डाल रहे हैं तब भी हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी रजाइयों के ऊपर रजाइयाँ डाल रहे हैं तब हमारे हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, एक बार को तो भाई साहब आग में हाथ दे दिया तब हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, नहाया तक नहीं जा रहा है, आप समझ रहे हैं? जब आप इस कमरे में आए थे तो आपको एक बदबू आई थी, वो बदबू मेरे से ही आ रही है, वो पूरा डेढ़ हफ्ते से रहा हूँ नहीं ना, तो बदबू आ रही है। कैसे कैसे लोगों से बात कराते हो तुम? अरे एक तो मेरी बदबू ऊपर से बात बात के पूरा घर चढ़ा रखा है मैंने। ठीक है भाई साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, चाहे हम दूसरे घर के सदस्य को बुला दीजिए आप। हाय हाय। हाँ तो नमस्ते अंकल जी। बेचे अंकल होगा चिरा बाप, भाई साहब बोलिए। अच्छा हाँ, तो भाई साहब आप ये बताएंगे कि इस सर्दी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बेचे ठंड तो बेचे बिल्कुल लगती नहीं है हमें, बेचे तुम मानोगे नहीं, मैं अभी भी सुबह के 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे, और ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ मैं। ये खिड़की किसने खोल ली? नालायक, यहाँ पे तो यहाँ कपड़ों के ऊपर कपड़े पहने हैं, तो यहाँ सर्दी जान ही नहीं है, ये नालायक खिड़की खोल के बैठे हैं, बंद करो इसे। हाँ विजय, मैं कह रहा था कि अब सर्दी तो लगती नहीं है, विजय तुम मानोगी नहीं, मैं अभी भी 5 बजे उठ के वॉक करने जाता हूँ और योगा करने जाता हूँ, और सब हाफ टी शर्ट में होता है, फुल टी शर्ट में कुछ नहीं होता बेटे, सब कुछ हाफ टी शर्ट में होता है। ये हीटर क्यों नहीं चला रहा कोई? अब देख हीटर बंद कर रखा है नालायकों ने, एक तो यहाँ सर्दियों में वैसे ही पेशाब छूट जाता है, ये साले हीटर नहीं ऑन करते, पड़ोसी के बच्चों क्या भाई तुम नालायक। हाँ विजय, अच्छा विजय मैं कह रहा था कि विजय सर्दी तो अब लगती नहीं है। हाँ तो नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या डूड काम? अरे डूड मैं कोई काम नहीं करता डूड, मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो अभी मैं कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ। अरे भाई साहब, नाम नाम काम नहीं नाम। ओ सॉरी डूड, मेरी गलती। सो भाई सौम्या, तो सौम्या जी आप ये बताएंगे कि इस सर्दी के बारे में, इस ठंड के बारे में क्या विचार है आपका? अरे डूड मैं क्या बताऊँ, यहाँ की ठंड तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है डूड, मैं यू नो मैं लंदन में रहता हूँ, तो यहाँ की ठंड के हिसाब से तो मैं अपने कच्छे में घूमता हूँ, वो तो बस इन लोगों ने मेरे को फुल टी शर्ट पहना दी, नहीं तो कच्छे में घूम रहा होता मैं अभी। अच्छा तो लंदन में सर्दियों का कैसा माहौल है? डूड कॉल क्या डूड, किसको कॉल, क्या किसको कॉल लगाऊं डूड? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसको कॉल है, मैं पूछ रहा हूँ कैसा माहौल है, कैसा माहौल है। अरे डूड बस पैसा ही नहीं है डूड, तुम बस पैसे मत मांगा करो हमसे, बाकी हमारे पास सब है, शौहरत है, इज्जत है, बट डूड पैसा ही नहीं है डूड, बाकी तुम कुछ भी ले लो। अरे बड़ा पागल इंसान है यार, मैं कह रहा हूँ माहौल कैसा है, वहां का माहौल कैसा है? हैं जी? अरे यार तू चल यार, इनका बहुत हो चुका है यार।
तो आइए अब थोड़ा बाहर वाले लोगों से पूछते हैं कुछ। तो भाई साहब, ठंड बढ़ गई है, कोरोना बढ़ गया है, आप फिर भी यहाँ तंबाकू लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, ऐसा क्यों है? अरे तलब लगी पड़ी है तुम्हें बताए दे रहे हैं। ये शायद से सुनते नहीं हैं।